दादी की हजारीबाग में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वहीं कोयला खनन परियोजना क्षेत्र हजारीबाग अंतर्गत बड़का गांव में केरेडारी के रैयत जिला प्रशासन एनटीपीसी अधिकारी बीजीआर कंपनी के अधिकारी हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने विफल बताया। वहीं रैयतों ने कंपनी पर जबरन घर तोड़ने और बिना मुआवजा दिए कोयला डंप करने और रोजगार के नाम पर बाहरियों को नौकरी देने का आरोप लगाया है। इधर सांसद जयंत सिन्हा ने इस बात को सफल बताते हुए कहा कि ग्रामीणों की जितनी मांगे हैं उस पर विचार किया गया है और कुछ समस्याओं का समाधान भी ऑन द स्पॉट किया गया है। जहां तक विस्थापन का मामला है तो वह राज्य सरकार की अयोग्यता है। 9 एकड़ 95 डिसमिल मेरा 64-14-15 केस नंबर चल रहा है। 3 अंचलाधिकारी, 3 कर्मचारी, 3 सीआई का एक ही रिपोर्ट है कि जबरन इनके जमीन में मैंने रोड का निर्माण, आप नदी का पानी का बहाव और अब कोला खनन हो रहा है, जो उपायुक्त महोदया के पास विचाराधीन है। पूर्व में जो एससी थे वो बिरमस के बाद भी नहीं भेजे। अब नए अनुमंडल पदाधिकारी चार्ज में हैं, उनसे मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा रिकॉर्ड आएगा हमारे पास। आप सब महोदय ने कहा कि मैं ये समस्या आपकी हल होगी। उपायुक्त महोदय भी कही कि इनका चल रहा है, मैं कर दूंगा। शासन, एनटीपीसी और जनता तीनों को बुलाया गया और जो जो विषय थे सबको खुल के प्रस्तुत किया गया और फिर क्या समाधान हो सकता है, क्या आगे हम लोगों को प्रक्रिया अपनानी है, इन सब पे लंबी चर्चा हुई। आज एनटीपीसी ने बहुत हम लोगों को समर्थन दिया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डीसी मैडम ने भी बहुत सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन विशेष रूप से मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने अपनी मांगे बहुत सभ्यता से और बहुत सुलझे हुए तरीके से, बहुत संयम से उन्होंने प्रस्तुत किए और हम लोगों ने कई समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट कर दिया। ये सब वार्ता कुछ नहीं होना चाहिए। एनटीपीसी का अधिकारी जब तक जूता से पिटाई नहीं होगा ना, तब तक इन लोग सुधरने वाला नहीं है। इन लोग जनता को लूटने और ठगने काम कर रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसका उपाय करेंगे। और चूंकि ये चुनावी साल चल रहा है और अब इस जनता जो है इन लोग को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और मिलवाने के बाद जो है जो इन लोग कर रहा है 3 लाख रुपये जो अवैध तरीके से दे रहा है, प्रदूषण के नाम पर गांव में पैसा बांट रहा है, और दूसरा चीज़ है कि इन लोग का जमीन पेड़ का पैसा नहीं दिया, कुआं का पैसा नहीं दिया, जबरदस्ती काट दे रहा है, तो ये सब अवैध तरीके से कर रहा है। जब 2013 के बाद से खनन कर रहा है तो उसका 2013 कानून लागू होना चाहिए। तो बिना नियम कानून का, बिना भारत सरकार जो गाइडलाइन है या स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन है, इन लोग को धत्ता बताते हुए ग्रामीणों को पूरा शोषण, भय का माहौल।